हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल रियलिटी टीवी में। हर चीज़ के पीछे छुपा हुआ रियलिटी को आप लोगों के सामने लाना ही हमारे चैनल का काम है। जैसे कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं कि आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ पार्क एवेन्यू का बियर शैम्पू का फुल रिव्यू, फुल इन्फॉर्मेशन कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये हमारे बालों के लिए सेफ़ है कि नहीं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो अब इसका पैकेजिंग, इसका जो कंटेनर है आप देख ही सकते हो, ये एक बियर बॉटल जैसा ही है। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है 70 ml का, जिसका प्राइस है 40 rupees। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मार्केट में इसके कई सारे और क्वांटिटीज़ आते हैं, जैसे कि 250 ml का, 370 ml का। और मार्केट पे पार्क एवेन्यू बियर शैम्पू दो तरीके के हैं। इसमें आप जैसे कि देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है शाइनी एंड बाउंसी, और एक और कंटेनर है जिसमें लिखा हुआ है पार्क एवेन्यू बियर शैम्पू, उसमें एंटी डैंड्रफ लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है पार्क एवेन्यू बियर शैम्पू स्ट्रॉन्ग हेल्दी हेयर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पता नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं, जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आपके पास भी एक कंटेनर होगा जब आप इसको ख़रीदेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो बियर शैम्पू है, इट नरिश योर हेयर मेकिंग इट शाइनी एंड स्ट्रॉन्ग फ्रॉम रूट टू टिप। तो आज मैं आप लोगों को बियर पार्क एवेन्यू बियर शैम्पू में मिले हुए कुछ ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स जिसके वजह से हमारे बाल सेफ होंगे, ये शैम्पू क्यों आपके लिए अच्छा है या नहीं, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिला हुआ है, जो मैं आप लोगों से बात करूंगा। जब आप इसके इंग्रेडिएंट्स को देखेंगे तो आप लोग को ये देखने को मिलेगा कि सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है सोडियम लोरियल इथर सल्फेट, जिसको कि स्लेज भी बोला जाता है। तो दोस्तों, इसे कोकोनट ऑयल से बनाया जाता है। जो सोडियम लोरियल इथर सल्फेट जो है ना, इसके वजह से जो साबुन के फेन बनाए जाते हैं, जो हम लोग साबुन के फेन जब भी हम लोग शैम्पू यूज़ करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि साबुन जैसा कुछ फेन आ रहा है, तो ये इस इंग्रेडिएंट की वजह से निकलता है। और इसको यूज़ करने के बाद, जो शैम्पू यूज़ करने के बाद हमारे बालों में जो स्क्वीकी नज़र आते हैं वो भी इसी इंग्रेडिएंट की वजह से देखा जाता है। अगला इंग्रेडिएंट है एक्वा, जिसको वाटर के नाम से जाना जाता है। फिर आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगा एक्राइलेट्स, ये हमारे बालों को ह्यूमिडिटी से प्रोटेक्ट करता है। बियर, जो हमारे बालों को शाइन करता है। फिर है पोटाशियम। दोस्तों, अगर आपके बालों में पोटाशियम डिफिशियंसी होता है तो आपके बाल जो है वो हेयर फॉल होना स्टार्ट होता है, और इस शैम्पू में पोटेशियम है, जिसके वजह से आपका, अगर पोटेशियम डिफिशियंसी की वजह से हेयर फॉल हो रहा है तो इसको यूज़ करने के बाद शायद आपका वो डिफिशियंसी कम हो जाए और आपका हेयर फॉल कम हो जाए। इसके बाद इसमें आप जब देखेंगे तो कोकेट मिला हुआ है। कोकेट हमारे हेयर को क्लीन करता है। कोकेट हमारे बालों में रहने वाला ऑयल और डर्ट को वाटर के साथ मिला देता है, ताकि पानी के साथ ये मिल जाए, और पानी से रिंस करने से ये हमारे जो बालों में जो डर्ट है वो निकल जाए। इसके बाद आप देखेंगे तो इसमें आपको नज़र आएगा क्लोराइड। तो ये कैटायनिक कंपाउंड है, यही हमारे बालों से जो दुर्गंध होता है उसको दूर करता है। तो दोस्तों, जो क्लोराइड है, जब हम बहुत दिनों तक अपने बालों को वॉश नहीं करते हैं, जब धूल हमारे बालों में जमा हो जाता है, तब हमारे बालों में कुछ छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो होते हैं वो वाटर को डर्ट के साथ मिलने नहीं देता। तो इस शैम्पू में क्लोराइड है, जो कि क्लोराइड हमारे उन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को मार देता है, जिसके वजह से वो डर्ट वाटर के साथ मिल जाता है और हमारा बाल क्लीन हो जाता है। उसके बाद आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है टाइटेनियम ऑक्साइड। तो टाइटेनियम ऑक्साइड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इस शैम्पू में, जो कि हमारे बालों को लाइट रिफ्लेक्टिंग बनाता है। तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है टाइटेनियम ऑक्साइड के वजह से, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेस, जो कि हमारे हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ख़तरनाक है,
जिसकी वजह से स्किन कैंसर हो सकता है, तो टाइटेनियम ऑक्साइड की वजह से वो अल्ट्रावायलेट रेस और काफ़ी ख़तरनाक किरणों को, सूरज की किरणों को रिफ्लेक्ट करता है। तो आप जब इस इंग्रेडिएंट को गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे सिलिका मिला हुआ है, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे सिलिका है। तो सिलिका, सिलिका का काम जो होता है वो हमारे जो स्कैल्प है, स्कैल्प में सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और इसके वजह से ही हेयर लॉस कम होता है। सिलिका जो अक्सर, सिलिका अक्सर हेल्दी बालों में पाए जाते हैं। तो अगर आपके हेयर में सिलिका का डिफिशियंसी है तो ये शैम्पू आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को एडवाइस करूँगा कि आप हफ्ते में इस शैम्पू को 2 बार से ज़्यादा यूज़ ना करें। आप इस शैम्पू को हफ्ते में 2 बार या 1 बार यूज़ कर सकते हैं। और आप एक और चीज़ आप इसमें देख सकते हो, अल्कोहल कंटेंट इसमें 0.25% मिला हुआ है और डाइथाइल पिथेलेट। और ये सिर्फ एक्सटर्नल यूज़ के लिए है, इंटरनल यूज़ के लिए, इंटरनल कंजप्शन के लिए ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है दोस्तों। तो अगर आप, तो अगर आपके बालों में पोटेशियम डिफिशियंसी है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो और हफ्ते में आप इसको सिर्फ 2 बार ही यूज़ करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।